हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज इस बात को अच्छी लेबर पार्टी तक समझ गए कि अब अधिक दिनों तक भारत को गुलाम बनाए रखना असंभव है, इसलिए उन लोगों ने सत्ता हस्तांतरित करने एवं भारत को स्वतंत्र करने का निश्चय किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात इंग्लैंड में होने वाले चुनावों बहुमत में आई। इसके प्रधानमंत्री एटली ने सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत भेजा। इस योजना के अनुसार भारत के लिए एक भावी संविधान तैयार करने और अंतरिम सरकार स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में निर्वाचन करवाए गए। इसने संविधान के निर्माण का जिम्मा लिया। इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसकी अध्यक्षता सदन के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और अध्यक्ष की हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किए। मूल रूप से संविधान में 395 धाराएं जो 22 भागों में विभक्त थी और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से यह संविधान लागू किया गया। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में संविधान के स्रोत, प्रशासनिक व्यवस्था और संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान की तरह इसकी प्रस्तावना भी लंबी है। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार के, व्यक्ति के विश्वास के, धर्म एवं पूजा की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में भातृत्व जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित रहे का वध करने के लिए इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसके द्वारा इस संविधान को स्वीकार करते हैं, कानून के रूप देते हैं और अपने आप को इस संविधान को अर्पण करते हैं। इस प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि इस संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा भारत की जनता के लिए किया गया। अब भारत एक सर्वप्रभुत्व संपन्न देश बन गया। इस संविधान का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना और सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करना तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना है। संविधान को मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन नवंबर 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिलती जुलती है। बीन और जापान के संविधानों में भी यह बात स्पष्ट की गई है कि इनका निर्माण जनता द्वारा जनता के लिए किया गया है। लिखित एवं निर्मित संविधान विश्व के अनेक देशों की तरह जैसे रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान इत्यादि भारतीय संविधान भी लिखित है। इंग्लैंड के संविधान की तरह यह परंपरा पर आधारित नहीं है। संविधान सभा के अधिवेशनों में इसका प्रारूप तैयार कर उस पर विचार विमर्श कर इसे अंतिम तौर से स्वीकार किया गया। मूल रूप से इसमें 395 धाराएं, 22 भाग और 8 अनुच्छेद थे। इस संविधान में स्पष्ट रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। संविधान के संशोधन की व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के अधिकार सभी की चर्चा है। अतः कोई भी सरकार इस संविधान में रहते मनमाने ढंग से शासन नहीं चला सकती है। लिखित होने के बावजूद इस संविधान में अनेक अलिखित परंपराओं को भी स्थान मिल चुका है, जिनका महत्व लिखित व्यवस्था के हो सम्मान है। इसी प्रकार यद्यपि इस संविधान का निर्माण 3 वर्षों की अवधि में पूरा हुआ, परंतु इसके विकास को 1857 ईस्वी के पश्चात के संविधानों एवं राजनीतिक घटनाओं से भी प्रभावित किया। संविधान की विशालता। भारतीय संविधान को एक विशेषता इसकी विशालता है। संभवतः यह विश्व का विशालतम संविधान है। उदाहरण के लिए, जहां अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा में 147, स्विट्जरलैंड में 123 धाराएं हैं, वहीं भारतीय संविधान में 395 धाराएं, 22 भाग और 9 अनुच्छेद। संविधान के विशाल होने का कारण यह है कि
इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली, नागरिकों के अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संशोधन की व्यवस्था इत्यादि की विस्तृत चर्चा की गई है। जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे लंबा और ब्यूरोवार संविधान कहा है। एम बी प्याली ने भी इसे विशालकाय संविधान कहा है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। नमनशील लचीला होते हुए भी इसमें अनमनशीलता के तत्व मौजूद है। यह ना तो ब्रिटेन के संविधान की तरह अत्यधिक लचीला और न ही अमेरिकी संविधान की तरह कठोर। इसमें संशोधन की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान का संशोधन संसद के बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा या राज्य की विधानमंडलों की सहमति से किया जा सकता है। साथ ही साथ आपातकाल में संविधान का स्वरूप आपसात्मक से एकात्मक हो जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान को नमनशील कहा जा सकता है, परंतु इसमें अनमनशीलता के गुण भी मौजूद है। संशोधन की व्यावहारिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संशोधन लाने के लिए संसद के दो तिहाई बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। अगर संघ में और राज्यों में एक ही दल की सरकार नहीं हो तो संशोधन कठिन हो जाता है। यह स्थिति अमेरिका के संविधान से मिलती जुलती है। अतः स्पष्ट है कि लचीला होते हुए भारतीय संविधान कठोर है। अब तक इसमें 59 संशोधन हो चुके हैं। लोकसत्ता पर आधारित संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। भारतीय इतिहास से सबक लेकर संविधान के निर्माताओं ने राजतंत्र को समाप्त कर एक गणराज्य की स्थापना की। यह गणराज्य में प्रभु है, इस पर किसी विशेष सत्ता का प्रभाव नहीं। यह संविधान जनता की मर्जी से जनता द्वारा जनता के लिए स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना है। संविधान की प्रस्तावना में इन उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया गया है। इस संविधान के उद्देश्य महान है। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति के लिए अनेक भारतीयों ने स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। उन शहीदों की भावनाओं और उद्देश्यों को संविधान की धाराओं में समाहित कर संविधान निर्माताओं ने एक महान कार्य किया है। संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था। संविधान के अनुसार भारत में संसदीय प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अमेरिका की तरह राष्ट्रपति प्रणाली लागू नहीं की गई है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से भारत में भी राष्ट्रपति प्रणाली स्थापित करने की संभावनाओं पर वाद विवाद हो रहे हैं, फिर भी संसदात्मक व्यवस्था को ही बनाए रखा गया है। केंद्र एवं राज्य दोनों ही जगहों में यही व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार केंद्र और राज्यों में जनता द्वारा चुने गए बहुमत दल के प्रधान, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रशासन प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल नाममात्र के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। संसद या विधानमंडल अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। अगर वह जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं करती है तो जनता के हाथों में अधिकार सुरक्षित रहता है कि वह अगले चुनाव में सरकार को बिना क्रांति के बदले दे। 1977 ईस्वी के आम चुनावों में ऐसा ही हुआ, जब कांग्रेस की सरकार को केंद्र एवं इन राज्यों से बिना किसी रक्तपात एवं क्रांति के आसानी से अपदस्त कर दिया गया। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संसदात्मक प्रणाली के साथ साथ राष्ट्रपति प्रणाली के भी तत्व भी संविधान में विद्यमान है। आकस्मिक विपत्ति के अवसर पर राष्ट्रपति के हाथों में अत्यधिक शक्ति चली जाती है। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के बाद जब मंत्रिमंडल स्वयं में भंग हो गई तो राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह की ही शासन के वास्तविक प्रधान बन गए। उन्होंने ही भारत के नए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस स्थिति में कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति स्वयं भी शासन की बागडोर अपने हाथों में ले सकता था। अतः संसदात्मक प्रणाली होते हुए राष्ट्रपति प्रणाली के गुण इस संविधान में पाए जाते हैं। संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें संघात्मक एवं एकात्मक संविधान का गुण मौजूद है। यद्यपि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप भारत में संघात्मक व्यवस्था ही कायम की गई, जिसके अनुसार सिद्धांत राज्य सरकारों को आंतरिक प्रशासन, विधि निर्माण एवं न्यायपालिका के क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है। फिर भी अनेक व्यवस्थाओं के द्वारा केंद्रीय सरकार के से सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है।
उदाहरण स्वरूप दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का, इन राज्यों के उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण, सहमति एवं समवर्ती अधिकारों की सूची, अपशिष्ट अधिकारों का केंद्र में सुरक्षित होना, एक नागरिकता की व्यवस्था इत्यादि अनेक तत्व ऐसे हैं जो एकात्मक संविधान का आभास देते हैं। संकट काल में तो केंद्र के अधिकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। यह व्यवस्था भारत जैसे विशाल देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधे रहने के उद्देश्य से की गई थी। सामान्यतः केंद्र एवं राज्य सरकारों की सीमाओं का उल्लेख कर इसे संघात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। नागरिकों के मूलभूत अधिकार। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध जनता की सुरक्षा के लिए संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लेख किया है। संविधान के तीसरे भाग में 12 से 35 धाराओं में इन अधिकारों की पूर्ति के लिए वह न्यायालय की शरण ले सकता है, परंतु वे अधिकार भी सर्वोपरि नहीं, इन पर कुछ सीमाएं भी ला दी गई। उदाहरण के लिए आपातकाल में इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संसद कानून बनाकर इन अधिकारों में संशोधन कर सकती है या इन्हें समाप्त कर सकती है। इन्हीं अधिकारों का उपयोग कर 44वें संशोधन के अनुसार 1979 संपत्ति संबंधी अधिकार मूल अधिकारों की सूची अलग कर दिए गए हैं। मूल अधिकारों से संबंधित इन संशोधन भी समय समय पर किए गए हैं। मूल अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये नाममात्र कोई प्राप्त सरकार जब चाहे इनका अपहरण कर सकती है या इन्हें निलंबित कर सकती है। सिद्धांत ये अधिकार बहुत ही अच्छे हैं और सबको प्राप्त है, परंतु व्यवहारिक अव्यवस्था भिन्न है। नागरिकों के कर्तव्य। संविधान में यद्यपि मूलतः नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु नागरिकों के कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्यों को भी संविधान में समाविष्ट किया गया। इनकी प्रेरणा साम्यवादी चीन रूस संविधानों से ली गई थी, जहां नागरिकों अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।